Hello everyone, welcome to class number 80 of the chapter Programming Using C++. So, आज के class का हमारा discussion का topic है types of inheritance. जैसे कि last कुछ classes में हमने already discuss किया है कि inheritance क्या है, different access mode क्या है inheritance का, उन सब के बारे में हम last कुछ classes में already discuss कर चुके हैं. तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में जो कि C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करता है. तो किस किस तरह का इनहेरिटेंस हमें प्रोवाइड करता है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीलेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, मल्टीपाथ इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस. तो सारे इनहेरिटेंस के बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे कि किस तरह के इनहेरिटेंस को हम इस तरह के नाम से क्यों पुकारते हैं और उस तरह के इनहेरिटेंस को हमारे प्रोग्राम में कैसे यूज कर सकते हैं, उसको एक प्रोग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट हम देखते हैं सिंगल इनहेरिटेंस. हम किस तरह के इनहेरिटेंस को बोलते हैं? इनहेरिटेंस मीन्स व्हाट? इनहेरिटेंस मीन्स द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ए पेरेंट क्लास थ्रू ए चाइल्ड क्लास. एक चाइल्ड क्लास अगर एक पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है, इफ यूज करता है जिस प्रोसेस के द्वारा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस. तो सिंगल इनहेरिटेंस हम उस तरह के इनहेरिटेंस को बोलेंगे जहां पे एक चाइल्ड क्लास सिर्फ एक ही पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को अगर इनहेरिट कर रहा है. सो उस तरह के इनहेरिटेंस को हम बोलेंगे सिंगल इनहेरिटेंस. वही लिखा है, व्हेन ए चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स प्रॉपर्टीज ऑफ एन ओनली वन पेरेंट क्लास. अगर एक चाइल्ड क्लास सिर्फ एक ही पेरेंट क्लास का प्रॉपर्टी अगर इनहेरिट कर रहा है या फिर यूज कर रहा है, सो उस तरह के इनहेरिटेंस को हम बोलेंगे सिंगल इनहेरिटेंस. तो यहाँ पे डायग्राम में आप समझ सकते हो, यहाँ पे मैंने लिया एक चाइल्ड क्लास, यहाँ पे मैंने लिया एक पेरेंट क्लास. तो ये पर्टिकुलर चाइल्ड क्लास अगर सिर्फ एक ही पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है या फिर यूज करता है, इस तरह के इनहेरिटेंस को हम बोलेंगे सिंगल इनहेरिटेंस. ओके, तो प्रोग्राम में सिंगल इनहेरिटेंस को कैसे यूज कर सकते हैं, पहले उसका सिंटेक्स देखते हैं. जैसे कि पहले मैंने यहाँ पे क्रिएट किया एक क्लास, जिस क्लास जो कि पेरेंट क्लास हम बोलेंगे या फिर जिसको हम सुपर क्लास बोल सकते हैं या फिर जिसको हम बेस क्लास बोल सकते हैं. फिर मैंने यहाँ पे क्रिएट किया और एक क्लास जिसको हम चाइल्ड क्लास और डिराइव्ड क्लास और सब क्लास बोल के बोल सकते हैं, जो कि पहले से हमने जो क्लास क्रिएट किया है पेरेंट क्लास उसको हम इनहेरिट कर रहे हैं, मतलब उसके प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहे हैं. ओके, तो कैसे इनहेरिट करेंगे? क्लास, चाइल्ड क्लास नेम, देन कॉलन सिंबल, देन एक्सेस मोड. कि किस तरह का एक्सेस मोड यूज करके हम इनहेरिटेंस में एक पर्टिकुलर पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना चाहते हैं चाइल्ड क्लास के थ्रू. उसके बाद उस पर्टिकुलर क्लास का नाम जिस क्लास के प्रॉपर्टी को हम इनहेरिट करना चाहते हैं चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू. ओके, तो ये है सिंटैक्स सिंगल इनहेरिटेंस का. इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. तो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया एक क्लास पेरेंट, यहाँ पे मैंने क्रिएट किया और एक क्लास चाइल्ड. चाइल्ड क्लास में मैंने कॉलन सिंबल यूज करके एंड पब्लिक एक्सेस मोड यूज करके पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया. तो अगर मैं मेन फंक्शन के अंदर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट को यूज करके पेरेंट क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करने के साथ साथ चाइल्ड क्लास के मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकता हूं. तो मैंने यहाँ पे यूज किया obj.display. तो मतलब obj किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? चाइल्ड क्लास का. डिस्प्ले किस क्लास का मेथड है? पेरेंट क्लास का. तो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके पेरेंट क्लास के मेथड को हम कॉल कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं. ओके, तो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले मेथड को कॉल किया. डिस्प्ले मेथड के अंदर वो क्या प्रिंट करेगा? x=50. तो पहले आउटपुट दिखाएगा x=50. फिर हम यहाँ पे आएंगे obj.show. तो obj किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? चाइल्ड क्लास का. show किस क्लास का मेथड है? चाइल्ड क्लास का. तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट को यूज करके चाइल्ड क्लास के मेथड को कॉल कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमने कॉल किया तो क्या प्रिंट करेगा? y=60. तो आउटपुट क्या जनरेट होगा? x=50 एंड y=60. तो यहाँ पे हमने देखा कि सिंगल इनहेरिटेंस हम कैसे यूज कर सकते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस यूज करके कैसे एक सिंपल प्रोग्राम लिख सकते हैं और उसको कैसे चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं. अभी आते हैं नेक्स्ट तरह के इनहेरिटेंस के बारे में, जिस इनहेरिटेंस का नाम है मल्टीपल इनहेरिटेंस. सो किस तरह के इनहेरिटेंस को हम मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं? सिंगल इनहेरिटेंस किसको बोलते थे? अगर एक चाइल्ड क्लास सिर्फ एक ही पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है उसको बोलेंगे सिंगल इनहेरिटेंस. बट अगर एक पर्टिकुलर चाइल्ड क्लास मोर देन वन पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है, उस तरह के इनहेरिटेंस को हम क्या बोलेंगे? उस तरह के इनहेरिटेंस को हम बोलेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस. ओके, तो डायग्राम में यहाँ पे आप देख सकते हो एक चाइल्ड क्लास है जो कि मोर देन वन पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है या फिर यूज कर रहा है. सो इस तरह के इनहेरिटेंस को हम क्या बोलेंगे? इस तरह के इनहेरिटेंस को हम बोलेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस. क्या लिखा है देखते हैं. व्हेन ए चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स
प्रॉपर्टीज ऑफ मोर देन वन पेरेंट क्लास, एक चाइल्ड क्लास अगर मोर देन वन पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है या फिर यूज कर रहा है तो इस तरह के इनहेरिटेंस को हम बोलेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो सिंटेक्स क्या है मल्टीपल इनहेरिटेंस का, यहाँ पे मैंने पहले क्लास क्रिएट किया पेरेंट क्लास, फिर मैंने यहाँ पे क्रिएट किया और एक पेरेंट क्लास और एक चाइल्ड क्लास क्रिएट करके चाइल्ड क्लास के थ्रू हमने दोनों ही पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया। तो यहाँ पे हमने जो एक पर्टिकुलर चाइल्ड क्लास के थ्रू दो अलग अलग पेरेंट क्लासेस के प्रॉपर्टी को हमने इनहेरिट किया, इस तरह के इनहेरिटेंस को हम बोलेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। सो सिंगल इनहेरिटेंस में हम क्या करते थे, सिर्फ सिंगल क्लास के प्रॉपर्टी को ही इनहेरिट करते थे, बट मल्टीपल इनहेरिटेंस में हम मोर देन वन क्लास के प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर चाइल्ड क्लास के थ्रू। ओके, तो इसको एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया एक पेरेंट क्लास पेरेंट वन, फिर मैंने यहाँ पे क्रिएट किया और एक पेरेंट क्लास पेरेंट टू, फिर मैंने यहाँ पे क्रिएट किया चाइल्ड क्लास और चाइल्ड क्लास के थ्रू मैंने पेरेंट वन एंड पेरेंट टू दोनों पेरेंट क्लास को इनहेरिट किया। ओके, तो अगर मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ तो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ, चाइल्ड क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकता हूँ, पेरेंट वन क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकता हूँ एंड पेरेंट टू क्लास के मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमने जो चाइल्ड क्लास के थ्रू मोर देन वन पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया, इस तरह के इनहेरिटेंस को हम बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे मैंने कॉल किया ओबीजे डॉट डिस्प्ले, ओबीजे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, डिस्प्ले पेरेंट वन क्लास का मेथड है, कॉल कर सकते हैं क्योंकि चाइल्ड क्लास यहाँ पे पेरेंट वन क्लास को इनहेरिट किया है, पेरेंट वन क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो पहले आउटपुट प्रिंट करेगा x इक्वल्स टू 50, फिर यहाँ पे हमने ओबीजे ऑब्जेक्ट को यूज करके सो मेथड को कॉल किया जो कि सेकेंड पेरेंट क्लास का डाटा मेंबर है, सॉरी मेंबर फंक्शन है या फिर मेथड है, तो वहां पे क्या प्रिंट करेगा y इक्वल्स टू 60। फिर हमने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करके चाइल्ड क्लास के मेथड को कॉल किया तो वहां पे वो क्या प्रिंट करेगा रिजल्ट फंक्शन जेड इक्वल्स टू 60। क्या प्रिंट करेगा लास्ट में, वो लास्ट में प्रिंट करेगा जेड इक्वल्स टू 60। तो आउटपुट क्या जनरेट होगा x इक्वल्स टू 50, y इक्वल्स टू 60 एंड z इक्वल्स टू 70। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है, उसको एक एग्जांपल के थ्रू हमने समझा। फिर आते हैं नेक्स्ट तरह के इनहेरिटेंस के बारे में जिस इनहेरिटेंस का नाम है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो किस तरह के इनहेरिटेंस को मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं, जैसे कि एक रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर लें, जैसे कि हम चाइल्ड हमारे पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं, यूज करते हैं, हमारे पेरेंट्स उनके पेरेंट्स के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं, तो उस तरह के इनहेरिटेंस को हम बोल सकते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके, व्हेन अ चाइल्ड क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम ए मिडिल लेवल पेरेंट क्लास, यहाँ पे एक चाइल्ड क्लास है जो कि मिडिल लेवल में जो पेरेंट क्लास है उससे प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, जो पेरेंट क्लास की और एक पेरेंट क्लास से प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया है। ओके, व्हेन अ चाइल्ड क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम ए मिडिल लेवल पेरेंट क्लास, अगर हम चाइल्ड क्लास को डिराइव करते हैं एक मिडिल लेवल पेरेंट क्लास से जो कि ऑलरेडी खुद ही डिराइव हुआ है और एक पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को यूज करके, उस तरह के इनहेरिटेंस को हम बोलेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो चाइल्ड क्लास किसका प्रॉपर्टी यूज कर रहा है, पेरेंट क्लास का, पेरेंट क्लास किसका प्रॉपर्टी यूज कर रहा है, ग्रैंड पेरेंट क्लास का, जैसे कि हम लोग हमारे पेरेंट्स के प्रॉपर्टी को यूज करते हैं जो कि उनके पेरेंट्स के प्रॉपर्टी को यूज करके हमें क्या कर रहे हैं, अपने प्रॉपर्टी को यूज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, उस तरह के इनहेरिटेंस को हम बोलेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो सिंटेक्स देखते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का, तो ग्रैंड पेरेंट क्लास मैंने यहाँ पे एक लिया, फिर मैंने यहाँ पे लिया पेरेंट क्लास, पेरेंट क्लास के थ्रू हम क्या कर रहे हैं ग्रैंड पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहे हैं। ओके, ये फिर ग्रैंड पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को यूज करके हम डिराइव कर रहे हैं पेरेंट क्लास को, फिर हम यहाँ पे पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को यूज करके चाइल्ड क्लास को क्या कर रहे हैं डिराइव कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि चाइल्ड क्लास जिस क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है वो क्लास और एक क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, तो यहाँ पे इस तरह के इनहेरिटेंस को हम बोलेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हमने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट किया ग्रैंड पेरेंट क्लास, फिर हमने क्रिएट किया एक क्लास पेरेंट क्लास और पेरेंट क्लास के थ्रू हमने ग्रैंड पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया, फिर हमने क्रिएट किया चाइल्ड क्लास और चाइल्ड क्लास के थ्रू हमने पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया। तो चाइल्ड क्लास जिस क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है वो क्लास और एक क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया है और इनहेरिट करके डिराइव हुआ है। ओके, सो इस तरह के इनहेरिटेंस को हम बोलेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस।
सो इस तरह के इनहेरिटेंस में हम चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके चाइल्ड क्लास, पेरेंट क्लास एंड ग्रैंड पेरेंट क्लास के मेंबर्स को क्या कर सकते हैं, इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ओबीजे, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके मैंने ग्रैंड पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल किया, तो पहले आउटपुट प्रिंट करेगा x इक्वल्स टू 50। फिर मैंने यहाँ पे चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके मैंने यहाँ पे कॉल किया किसको, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके मैंने पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल किया, तो प्रिंट करेगा y इक्वल्स टू 60। फिर मैंने चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके चाइल्ड क्लास के मेथड को ही कॉल किया, तो क्या प्रिंट करेगा, z इक्वल्स टू 70। तो आउटपुट क्या आएगा, x इक्वल्स टू 50, y इक्वल्स टू 60, z इक्वल्स टू 70। ओके, तो यहाँ पे अभी हमने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या है समझा, डायग्राम के थ्रू उसको समझा, एग्जाम्पल के थ्रू भी उसको समझा। अभी हम देखते हैं और एक तरह के इनहेरिटेंस के बारे में, जिस इनहेरिटेंस का नाम है हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। सो किस तरह के इनहेरिटेंस को हम हायरार्चिकल इनहेरिटेंस बोलेंगे, मल्टीपल इनहेरिटेंस का उल्टा है हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस हम किस तरह के इनहेरिटेंस को बोलते थे, जिस तरह के इनहेरिटेंस में एक सिंगल चाइल्ड क्लास मोर देन वन पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है, उस तरह के इनहेरिटेंस को हम बोलते थे मल्टीपल इनहेरिटेंस। बट हायरार्चिकल इनहेरिटेंस क्या है, अगर एक पर्टिकुलर पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को मोर देन वन चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर रहे हैं, सो उस तरह के इनहेरिटेंस को हम बोलेंगे हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं रियल लाइफ का, एक पेरेंट्स के मोर देन वन चाइल्ड हो सकते हैं, तो एक पेरेंट के अगर मोर देन वन चाइल्ड है तो मोर देन वन चाइल्ड वही सेम पेरेंट्स के प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, तो उस तरह के इनहेरिटेंस को वहां पे हम बोलेंगे हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। ओके, व्हेन मोर देन वन चाइल्ड क्लासेस इनहेरिट्स प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिंगल पेरेंट क्लास, जब मोर देन वन चाइल्ड क्लासेस इनहेरिट करते हैं एक सिंगल पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को, सो उस तरह के इनहेरिटेंस को हम बोलेंगे हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो एक पर्टिकुलर पेरेंट क्लास है, जिस पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को मोर देन वन चाइल्ड क्लास क्या कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं। तो सिंटेक्स क्या है हायरार्चिकल इनहेरिटेंस का, एक पेरेंट क्लास मैंने क्रिएट किया, दो चाइल्ड क्लास मैंने क्रिएट किया, दोनों ही चाइल्ड क्लास क्या कर रहे हैं, सेम पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहे हैं। सो इस तरह के इनहेरिटेंस को हम बोलेंगे हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया एक पेरेंट क्लास, फिर मैंने यहाँ दो चाइल्ड क्लास क्रिएट किया, चाइल्ड वन चाइल्ड टू। चाइल्ड वन क्लास के थ्रू हमने इनहेरिट किया जिस पेरेंट क्लास को, चाइल्ड टू क्लास के थ्रू भी हमने इनहेरिट किया वही सेम पेरेंट क्लास को। तो अगर एक ही पेरेंट क्लास को मोर देन वन चाइल्ड क्लास में या फिर मोर देन वन चाइल्ड क्लास के थ्रू इनहेरिट करते हैं, उस तरह के इनहेरिटेंस को हम बोलेंगे हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे मैंने चाइल्ड वन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर चाइल्ड टू का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। चाइल्ड वन के ऑब्जेक्ट को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, पेरेंट क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को भी यूज करके हम क्या कर सकते हैं, पेरेंट क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड का ऑब्जेक्ट यूज करके डिस्प्ले मेथड को कॉल किया, तो क्या प्रिंट करेगा, एक्स इक्वल्स टू 50। फिर मैंने सेकंड चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करके फिर से मैंने डिस्प्ले मेथड को कॉल किया, तो फिर से क्या प्रिंट करेगा, x इक्वल्स टू 50। तो आउटपुट क्या जनरेट होगा, x इक्वल्स टू 50, x इक्वल्स टू 50। उसके बाद देखते हैं और एक तरह के इनहेरिटेंस के बारे में, जिस इनहेरिटेंस का नाम है मल्टीपाथ इनहेरिटेंस। तो नाम से क्या लग रहा है, जिस इस तरह के इनहेरिटेंस को, मल्टीपाथ इनहेरिटेंस इज ए टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन विच a child class can inherit the property of a parent class by using more than one path. अगर जिस तरह के inheritance में एक child class inherit कर रहा है property एक parent class का, more than one path use करके, उस तरह के inheritance को हम बोलेंगे multipath inheritance. जैसे कि ये child class है जो कि grand parent class के property को inherit करना चाहता है, तो parent class के through भी कर सकता है, अंकल क्लास के थ्रू भी कर सकता है, या फिर डायरेक्टली भी कर सकता है। तो अलग अलग पाथ उसके पास अवेलेबल है। अगर मोर देन वन पाथ में से कोई भी पाथ यूज करके हम क्या कर सकते हैं, चाइल्ड क्लास के थ्रू पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकते हैं, उस तरह के इनहेरिटेंस को हम बोलेंगे मल्टीपाथ इनहेरिटेंस। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्रिएट किया चाइल्ड एक ग्रैंड पेरेंट क्लास, फिर मैंने पेरेंट क्लास क्रिएट करके पेरेंट क्लास के थ्रू इनहेरिट किया ग्रैंड पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को, फिर मैंने क्रिएट किया अंकल क्लास, अंकल क्लास के थ्रू भी मैंने ग्रैंड पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया, फिर मैंने चाइल्ड क्लास के थ्रू पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया। तो ये जो चाइल्ड क्लास है, ये चाइल्ड क्लास अगर इस पर्टिकुलर ग्रैंड पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना चाहता है, तो डायरेक्टली ग्रैंड पेरेंट क्लास को यहाँ पे इनहेरिट कर सकता है, या फिर इनडायरेक्टली पेरेंट क्लास को इनहेरिट करके उसके थ्रू ग्रैंड पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता है।
ये फिर अंकल क्लास को इनहेरिट करके अंकल क्लास के थ्रू इनडायरेक्टली ग्रैंडपेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता है। तो यहाँ पे इसके पास तीन अलग अलग पाथ हैं, तीनों पाथ में से कोई भी पाथ यूज करके क्या कर सकता है, एक चाइल्ड क्लास ग्रैंडपेरेंट क्लास के मेंबर्स को इजीली एक्सेस कर सकता है। ओके, तो एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्रिएट किया ग्रैंडपेरेंट क्लास, उसके बाद मैंने क्रिएट किया पेरेंट क्लास, और पेरेंट क्लास के थ्रू इनहेरिट किया मैंने ग्रैंडपेरेंट क्लास को। फिर मैंने क्रिएट किया अंकल क्लास, जिसके थ्रू मैंने इनहेरिट किया ग्रैंडपेरेंट क्लास को। फिर मैंने यहाँ पे क्रिएट किया चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास के थ्रू मैंने पेरेंट क्लास को कॉल किया, सॉरी पेरेंट क्लास को मैंने इनहेरिट किया, चाइल्ड क्लास के थ्रू मैंने पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया। तो यहाँ पे पेरेंट क्लास इनहेरिट कर रहा है किसके प्रॉपर्टी को, ग्रैंड पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को। तो इनडायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, चाइल्ड क्लास के थ्रू ग्रैंड पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकते हैं। इसके जगह पे अगर मैं यूज करता अंकल, तो अंकल क्लास किस क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट, तो वहां पे भी हम क्या कर सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकते हैं। या फिर हम डायरेक्टली अगर यहाँ पे यूज करते हैं ग्रैंड पेरेंट, तो डायरेक्टली ग्रैंड पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को भी इनहेरिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि चाइल्ड क्लास तीन अलग अलग पाथ यूज करके क्या कर सकता है, ग्रैंड पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता है। ओके, तो चाइल्ड क्लास के थ्रू अगर हम एक ग्रैंड पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहे हैं, तो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं, उनके मेंबर्स को इनहेरिट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट को यूज करके मैंने डिस्प्ले मेथड को कॉल किया, जो कि ग्रैंड पेरेंट क्लास का मेथड है। तो क्या प्रिंट करेगा, x इक्वल्स टू 50। फिर हमने चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके रिजल्ट मेथड को कॉल किया, जो कि चाइल्ड क्लास का मेथड है, तो क्या प्रिंट करेगा, z इक्वल्स टू 70। तो रिजल्ट क्या दिखाएगा, x इक्वल्स टू 50, z इक्वल्स टू 70। उसके बाद आते हैं और एक तरह के इनहेरिटेंस के बारे में, जिस इनहेरिटेंस का नाम है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। So, किस तरह के इनहेरिटेंस को हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोलेंगे, अगर एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में, सिंगल प्रोग्राम में अगर मोर देन वन इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं एक प्रोग्राम को लिखने के लिए, उस तरह के इनहेरिटेंस को हम बोलेंगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस। व्हेन टू और मोर इनहेरिटेंस आर यूज्ड टुगेदर इन ए सिंगल प्रोग्राम, एक सिंगल प्रोग्राम के अंदर अगर दो या फिर दो से ज्यादा इनहेरिटेंस को अगर हम यूज करते हैं एक सिंगल प्रोग्राम लिखने के लिए, उस तरह के इनहेरिटेंस को हम बोलेंगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो जैसे कि उसका एक सिंटेक्स देखते हैं, सिंटेक्स कुछ भी हो सकता है, मोर देन वन किसी भी तरह के इनहेरिटेंस को यूज करके अगर हम सिंगल प्रोग्राम लिख रहे हैं, उस तरह के इनहेरिटेंस को हम बोलेंगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस। जैसे कि हमने मल्टीपाथ इनहेरिटेंस के बारे में देखा, मल्टीपाथ इनहेरिटेंस क्या है, मल्टीपाथ इनहेरिटेंस में हम मोर देन वन इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं, मतलब मल्टीपाथ इनहेरिटेंस देखते हैं फिर से। तो यहाँ पे मल्टीपाथ इनहेरिटेंस में हमने यहाँ पे सिंगल इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को यूज किया। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे सिंगल इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को हमने यूज किया, फिर हमने यहाँ पे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को भी यूज किया, तो मोर देन वन इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को यूज किया कि नहीं। तो इसको भी हम बोल सकते हैं एक तरह का एग्जाम्पल हाइब्रिड इनहेरिटेंस का। ओके, तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस हम उस तरह के इनहेरिटेंस को बोलते हैं जिस तरह के इनहेरिटेंस में हम एक पर्टिकुलर सिंगल प्रोग्राम को लिखने के लिए मोर देन वन इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या देख सकते हो आप, यहाँ पे मैंने एक ग्रैंड पेरेंट क्लास लिया है, उसके बाद एक पेरेंट क्लास मैंने लिया है, पेरेंट क्लास के थ्रू ग्रैंड पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा हूँ। फिर चाइल्ड क्लास के थ्रू मैंने यहाँ पे पेरेंट क्लास एंड ग्रैंड पेरेंट क्लास दोनों के प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया। तो यहाँ पे हमने सिंगल इनहेरिटेंस के साथ मल्टीपल इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को भी यूज किया, तो इस तरह के इनहेरिटेंस को हम बोल सकते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ओके, तो एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया एक ग्रैंड पेरेंट क्लास, फिर मैंने यहाँ पे क्रिएट किया एक पेरेंट क्लास, पेरेंट क्लास के थ्रू मैंने ग्रैंड पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया। फिर मैंने यहाँ पे क्रिएट किया एक अंकल क्लास, फिर मैंने यहाँ पे क्रिएट किया एक चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास के थ्रू मैंने पेरेंट क्लास एंड अंकल क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया। तो यहाँ पे हमने सिंगल इनहेरिटेंस यूज किया, यहाँ पे हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को यूज किया। तो सिंगल प्रोग्राम को लिखने के लिए हमने यहाँ पे मोर देन वन इनहेरिटेंस वाले कॉन्सेप्ट को यूज किया, तो इस तरह के इनहेरिटेंस को हम बोलेंगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे अगर मैं पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना चाहता हूँ, या फिर ग्रैंड पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना चाहता हूँ, या फिर अंकल क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना चाहता हूँ, तो कैसे कर सकता हूँ, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके। कैसे,
चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट अगर यूज करता हूं मैं तो पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता हूं क्योंकि मैंने यहाँ पे पेरेंट क्लास को इनहेरिट किया है। अगर मैं ग्रैंड पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना चाहता हूं तो भी कर सकता हूं क्योंकि मैंने यहाँ पे जिस पेरेंट क्लास को इनहेरिट किया है उस पर्टिकुलर पेरेंट क्लास ने ग्रैंड पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया है, तो मतलब इनडायरेक्टली ग्रैंड पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को भी हम इनहेरिट कर सकते हैं चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू। उसके बाद हम अंकल क्लास के प्रॉपर्टी को भी इनहेरिट कर सकते हैं बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास। तो मैंने यहाँ पे लिखा ओबीजे डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले ग्रैंड पेरेंट क्लास का प्रॉपर्टी है और ओबीजे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो इनहेरिट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, तो प्रिंट करेगा x इक्वल्स टू 50। फिर मैंने चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल किया तो क्या प्रिंट करेगा, y इक्वल्स टू 60। खत्म। तो आउटपुट क्या आएगा, x इक्वल्स टू 50, y इक्वल्स टू 60। सो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, क्या क्या इनहेरिटेंस हमें C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड करता है उनको हमने समझा, एग्जाम्पल भी देखा, ओके उनका सिंटैक्स भी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।